जिला कुल्लू के लग घाटी के साथ टुपकन से पवनग सड़क का कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिसे लेकर स्थानीय जनता में काफी रोष है, जिसके चलते धीमी गति से चल रहे कार्य में तेजी लाने के लिए स्थानीय लोग विभाग व मंत्री से भी मिले हैं। जो एक हमारा जो डुपकन से फ्लान रोड है, इस पे बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा था और आज विभाग के लोगों को लेकर, ठेकेदार को लेकर और उसमें खासतौर पे ये वहाँ पे स्थानीय लोगों को भी बुलाया गया था। कुछ एक मसले थे जो ज़मीनों से संबंधित थे, मक डंपिंग के लिए था वहाँ पे, जो एक चट्टानी वाला क्षेत्र है और उसमें जो है कुछ एक मेरा मतलब ये था कि एक समन्वय हो कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, विभाग के बीच में और लोगों के बीच में, जिससे कि ये काम तेज़ी से चले। और इस संदर्भ में मुझे मौके पे मैं गया हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने नबार्ड से जो डुग्गी लग से डुपकन है उसके लिए मेरी विधायक प्राथमिकता में 5.5 करोड़ रुपये अपग्रेडेशन का जो है नबार्ड से अप्रूव हो चुका है और वो उसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही आगे को बड़े डंपर्स जाने शुरू हो जाएंगे। और मैंने सीधे सीधे निर्देश दिया है विभाग को कि वो कम से कम जो है 6 महीने के अंदर जो है डुपकन गांव से आगे निकलकर जो एक हमारा जो चढ़ाई वाला क्षेत्र है, ताकि प्लांट से पहले जो है उसको जो है वहाँ पे सड़क को पहुँचाए, ये मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि 6 महीने में वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और उसमें मैं समझता हूँ कुछ एक वहाँ पे स्ट्रेटा ऐसा आ रहा है कि जिसमें रॉकी एरिया है, ऊपर से पत्थर नीचे टंडारी गांव पे गिर सकते हैं। कुछ मैंने उनको उसमें सर्वे में भी फेरबदल करने के लिए कहा है और मुझे उम्मीद है कि पंचायत, गांववासी, विभाग और ठेकेदार आपस में समन्वय बिठाकर इस काम में अब कुछ दिनों में जो तेज़ी आएगी और 6 महीने में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इस सड़क पे देखने को मिलेगी। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।